अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मुसाफ इज़्ज़त जी। जो पाकिस्तान का मीडिया है ना, खाया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वो जो एस जी पी से उलझन होनी शुरू हो जाती है। आप शुभ चाक ने बताइए क्या कारनामा अंजाम दिया है। अजहर अली ने बड़ी खूबसूरत बात किया, उन्हें इज्जत किया एक किस्म का। उन्होंने जो बाबर आजम की चैट थी, किसी की जिसके थ्रू आई है, वो सोर्सेज होती है, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो कहते हैं मेरे जरा है, सोर्सेज के थ्रू आई है। तो उन्होंने बाबर आजम की डायरेक्ट चार्ट शेयर कर दी। उनसे किसी ने पूछा था कि आपने सी ओ को जकाशफ को कॉल की थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें सर को कॉल नहीं की थी। तो उन्होंने वो मैसेज लीक कर दिया और वो मैसेज जो है सोशल मीडिया पर हर तरफ तूफान की तरह बरपा हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में ये क्या है, ये किस किस्म का रवैया है ना। शुभ चैट को मेरे ख्याल में भी सोचना चाहिए था, और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जकाशफ साहब भी ये शुभ चैट को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी लीग्स में गई, जिसकी वजह से टीम को नुकसान हुआ, टीम्स प्लेयर अच्छे नहीं है जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ये प्लेयर्स हारे। शाहीन, बाबा, रिजवान, इनकी जो यूनिटी है इसको तोड़ा जी। पहले लोग कह रहे थे टीम में लड़ाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टीम में लड़ाई नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि ये टीम की यूनिटी छोड़े। जो बॉन्डिंग, जो कप्तान मजबूत हो गए, इससे शान मसूद को लाए जाए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट का बंदा है, सियासी इन्वॉल्वमेंट है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में सियासी इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगी ना, पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो नहीं कर सकेगा। अजीब किस्म का यकीन माने, एक तो प्लेयर्स परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सियासत ने इस क्रिकेट खेल का बेड़ा गर्क कर दिया।